हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के टू मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एलजेब्रा के नए वीडियो लेकर आए हैं। तो जो लोग वीडियो एक यानी कि पार्ट वन नहीं देखे होंगे वो जाकर देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आपको हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। जिसमें भी मैथ पूछता है उस एग्ज़ाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको प्रश्न में x प्लस वन बाय एक्स बराबर रूट तीन दिया हो, जब भी आपको प्रश्न में x प्लस वन बाय एक्स बराबर रूट थ्री दिया हो और इस तरह से किसी एक्सप्रेशन का मान पूछा जाए, तो आपको क्या करना है कि x प्लस वन बाय एक्स बराबर रूट थ्री दिया रहे तो उसका मान शून्य हो जाएगा जिसके पावर का अंतर छः हो। यानी कि अगर प्रश्न में इस तरह से पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि ये देखना है कि उन जोड़ों का मान शून्य होगा जिसके पावर का अंतर छः हो। क्या बोले कि उन जोड़ों का मान शून्य होगा जिसके पावर का अंतर छः हो। जब प्रश्न में ये दिया हुआ हो कि x प्लस वन बाय एक्स बराबर रूट थ्री दिया हो, तो कितना भी बड़ा इक्वेशन क्यों ना हो, सिर्फ ये देखेंगे कि उन जोड़ों को देखेंगे जिसके पावर का अंतर छः है। यहाँ क्या देख रहे हैं, x का पावर छः है, फिर x का पावर बारह है, तो अंतर कितना का है, छः का है। अगर मान लीजिए बारह x का पावर यहाँ नहीं यहाँ लिखा रहता, चाहे यहाँ लिखा रहता, तो हम इसको सजा लेते, यानी कि x के पावर बारह और x के पावर छः वाले को एक साथ रखते, तो इनका मान कितना हो जाएगा, x के पावर सिक्स और प्लस x के पावर बारह। इस तरह से रहते इसका मान शून्य, और प्लस फिर इसी तरह इसका x का पावर अठारह प्लस x के पावर चौबीस, तो इसका मान भी शून्य। यानी कि पूरे इक्वेशन का मान इतना का मान कितना हो गया, शून्य हो गया। तो यहाँ पर एक नोट आप लिख लेंगे कि जब x प्लस वन बाय एक्स जब x प्लस वन बाय एक्स बराबर रूट थ्री दिया हो तो पावर जोड़ा बनेगा उसके पावर को देखेंगे। तो आप यहाँ जगह नहीं है तो आप याद ही कर लीजिए कि जब x प्लस वन बाय एक्स बराबर रूट थ्री दिया हो तो उन जोड़ों का मान शून्य होगा जिनके पावर का अंतर छः हो। किसका मान शून्य होगा, उन जोड़ों का मान शून्य होगा जिसके पावर का अंतर छः हो। जैसे यहाँ छः है यहाँ बारह है, पावर का अंतर कितना, छः का है, तो इन दोनों का मान शून्य हो गया। यहाँ देख रहे हैं कितना पावर है, x के पावर अठारह, यहाँ x के पावर चौबीस, तो इन जोड़ों का अंतर शून्य हो जाएगा। तो उसी के पिछले ट्रिक के आधार पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाइए, अगर नहीं बनेगा उसके बाद देखिएगा हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए क्या बताए थे कि जब x प्लस वन बाय एक्स बराबर रूट थ्री रहे तो जोड़ा हमको ढूंढना है जिसके पावर का अंतर क्या होना चाहिए, छः होना चाहिए, जोड़ा को ढूंढना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ चार है, यहाँ बारह है, यहाँ दस है, यहाँ अठारह है पावर। तो क्या करेंगे कि जोड़ा कैसे बनाएंगे, तो यहाँ चार है यहाँ बारह है तो अंतर देख रहे हैं आठ का है, यहाँ दस है तो यहाँ अंतर इसका और इसका अंतर छः का है, यानी कि चार के पावर छः और प्लस चार का पावर दस को एक साथ रख लीजिए और प्लस अब बच गया एक्स के पावर बारह और प्लस एक्स के पावर अठारह को एक साथ रखिए और छः को अलग रख दीजिए। देखिए पावर का अंतर छः है तो इसका मान शून्य,
प्लस है, बीच में प्लस दे दीजिए, पावर का अंतर 6 है इसका भी मान 0, आप प्लस 6 बचा लास्ट में 6 को लिख दीजिए, इसका आंसर कितना 6 हो गया। यानी कि कितना भी बड़ा सीरीज क्यों ना रहे, कितना भी बड़ा सीरीज हो तो हम लोग जब ये प्रश्न में दिखेगा कि x प्लस 1 बाय x बराबर रूट 3, तो हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे कि किसी भी तरह उन इक्वेशन में ये दो जोड़ा को ढूंढेंगे जिसके पावर का अंतर 6 हो, यानी कि उसको देखेंगे जो जिन जोड़ों का पावर का अंतर 6 हो तो उसका मान 0 हो जाएगा। सिर्फ यही खोजेंगे हम और आसानी से ऐसे प्रश्नों को आंसर दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि x प्लस 1 बाय x बराबर 4 दिया हुआ है, तो हमसे मान पूछ रहा है x का पावर 4 प्लस 1 बाय x का पावर 4। देखिए इस तरह के प्रश्न को बनाने का बहुत सारा तरीका है, आप स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, लेकिन स्क्वायर कीजिएगा तो आपको फिर टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, तो उसमें आपका क्वेश्चन छूट भी सकता है। तो इसको क्या करना है कि 4 पावर है तो इसका क्या करेंगे हम कि जैसे x प्लस 1 बाय x बराबर 4 दिया हो तो इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर तो आ गया कितना 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 16, और 2 घटा लीजिए, 2 घटा लिए तो आ गया 14, इसी का मान हो गया x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का मान 14। अब हमको क्या करना है, स्क्वायर में है लेकिन क्वेश्चन में कितना 4 का मान पूछ रहा है, तो फिर से एक बार स्क्वायर कर लेंगे तो x का पावर 4 और प्लस 1 बाय x का पावर 4 बराबर, फिर से स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो 114 का स्क्वायर 196 होता है, फिर से माइनस 2 घटा लेंगे कितना हो गया 194 आंसर होगा। तो आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो रोक करके फिर से देख सकते हैं। तो देखिए क्या किए कि x प्लस 1 बाय x बराबर 4 रहेगा, तो आपको x प्लस 1 बाय x बराबर 4 का मान पूछ रहा है, तो क्या देख रहे हैं कि दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तो और स्क्वायर करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और 2 घटाएंगे तो एक बार स्क्वायर का मान आ गया, फिर एक बार और स्क्वायर करेंगे तब ने 2 × 4 2 का पावर 4 हो, x का पावर 4 होगा, तो फिर से स्क्वायर किया और अपने मन से 2 घटाए। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिएगा बुक से, यहाँ पर देखिए और बुक से जाके प्रैक्टिस कीजिए, तो आप इतना आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सिर्फ एक बार स्क्वायर कीजिएगा तो आपको दिमाग में ही बैठ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का मान आ गया, फिर से इसका स्क्वायर करके फिर से 2 घटाएंगे। यानी कि क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक बार स्क्वायर करके उसमें से 2 घटाते हैं, प्रत्येक बार स्क्वायर करके 2 घटाते हैं तो पावर का गुणनफल 2-2 के क्रम में आते जाता है, इसी तरह से बना लेंगे। तो उसी के पिछले मेथड के आधार पर ये एक क्वेश्चन है जिसको आपको वीडियो को पॉज करके बनाना है, अगर नहीं बनेगा तो चलिए हम बनाते हैं उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है, पहले अपने से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए क्या देख रहे हैं कि x प्लस 1 बाय x बराबर 3 है, रूट 3 नहीं समझना है, 3 है, x प्लस 1 बाय x बराबर कितना 3 है। तो क्या पूछ रहा है हमसे, x के पावर 8 प्लस 1 बाय x के पावर 8, यानी कि ये क्या है 2 के गुणनफल में है, तो यानी कि 2 को हम कितना बार गुना करेंगे जो 8 आएगा, तो 3 बार गुना करेंगे, तो इसको न प्रत्येक बार स्क्वायर करके 2 घटाते जाएंगे तो x स्क्वायर का मान और प्लस 1 बाय x स्क्वायर का मान अगर हमको चाहिए कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर और माइनस 2 करेंगे तो 9, 3 के स्क्वायर 9 और माइनस 2 यानी कि 6 आ गया, 7 आ गया। अब फिर अगला बार स्क्वायर करेंगे x के पावर 4 प्लस 1 बाय x के पावर 4 का मान निकालना है, तो हमको क्या करना होगा, इसको स्क्वायर करके फिर इसमें से 2 घटाना होगा, तो 7 के स्क्वायर 49 और माइनस 2 करेंगे तो हो गया कितना 47। अब x के पावर 4 को फिर से स्क्वायर करेंगे तो 8 प्लस 1 बाय x के पावर 8, क्योंकि हमको 8 में मान पूछ रहा है तो 3 बार स्क्वायर हमको करना पड़ेगा, तो 3 बार स्क्वायर करेंगे तो अब 47 का स्क्वायर करेंगे,
47 के स्क्वायर और माइनस 2 यानी कि इसका स्क्वायर कर लीजिएगा तो 47 हो गया। 47 के तो 47 अब तिरछा तिरछी गुना करके जोड़ लेते हैं तो 7 चौक 28 28 56 4 60 आ 4 चौक 16 आ ई वाला 6 22 यानी कि 2209 आ गया 47 के स्क्वायर। अब माइनस 2 करेंगे तो कितना हो गया 2207 यही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो देखिए और उसके बाद बुक से प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर वीडियो देखकर वैसे छोड़ देते हैं तो आपको अच्छा भी नहीं लगता होगा क्योंकि इसमें हम एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने के कारण अपलोड होने में दिक्कत होता है। तो आप इस यहाँ से ट्रिक देखिए और पढ़िए और जाके बुक से प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। जो वीडियो पर जो चैप्टर पढ़ाते हैं उस चैप्टर को आप अपने बुक से बनाइए, जो भी बुक आपके पास है। तो चलिए, जो आप लोगों ने सीखा है उसी के आधार पर ये दो क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप ज़रूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपसे ज़रूर बन जाएगा और वीडियो देखने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।